अगर आप अपनी YouTube वीडियोस या फिर फोटोग्राफी के लिए बजट प्राइस में एक अच्छा स्टूडियो लाइटिंग तैयार करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको अपना स्टूडियो लाइटिंग दिखाऊंगा जिसको मैंने लगभग 4000 रुपया खर्चा करके तैयार करे है अपने YouTube वीडियोस को शूट करने के लिए और जिससे मैं काफ़ी टाइम फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ। इवन अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीडियो भी इस लाइटिंग को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी कम से कम खर्चा करके अपना एक अच्छा स्टूडियो लाइटिंग तैयार करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो मेरे दो अम्ब्रेला लाइटिंग जिसका मुझे टोटल कॉस्ट पड़ा है 4267 रुपया और ये सारी चीज़ों को मैंने ऑनलाइन परचेज करी है। सारे पार्ट्स को मैंने अलग अलग परचेज करके फिर उसको मैंने घर पर असेंबल करे है। तो अगर आप इन पार्ट्स को खरीदना चाहते हो, जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सेम चीज़ों को अगर आप खरीदना चाहते हो तो सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया होगा, आप चाहो तो वहाँ पर से इन चीज़ों को परचेज कर पाएंगे। अभी हम देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें आपको चाहिए होगा इस लाइटिंग को तैयार करने में और उसके बाद हम देख लेंगे किस तरीके से उन चीजों को असेंबल करना है। तो पहला चीज जो आपको खरीदना है वो है लाइट स्टैंड और यहां पर मैंने डिजिटेक का लाइट स्टैंड परचेस करे हैं। डिजिटेक का DLS009 जो कि एक 9 फीट वाला लाइट स्टैंड है और इसको आप ना केवल अम्ब्रेला लाइट बल्कि रिंग लाइट उसके साथ सॉफ्ट बॉक्सेस किसी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और डिजिटेक का एक ट्राइपॉड मैं पिछले काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहा था जिसका क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है और तभी मैंने डिजिटेक का लाइट स्टैंड परचेस करना प्रीफर करे है और मैं आपको भी डिजिटेक का लाइट स्टैंड ही प्रीफर करूंगा। इसको अगर आप एक बार परचेस कर लेंगे तो आपका आसानी से 2 से 3 साल निकल जाएगा। अगर आप बाद में सॉफ्ट बॉक्सेस पर इन्वेस्ट करते हो तो भी आप इस स्टैंड को इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जो स्टैंड है ये आपको एक के लिए पड़ेगा 761 रुपया, अगर आप दो परचेस करते हो तो आपको 1522 रुपया पे करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक बल्ब होल्डर जो कि आप इस लाइट स्टैंड के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हो। कोई भी नॉर्मल बल्ब होल्डर से आपका काम नहीं चलेगा तो आपको कुछ ऐसा एक बल्ब होल्डर परचेस करना होगा जो आपके ये जो लाइट स्टैंड है उसके ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर आपका अम्ब्रेला लगाने के लिए भी होल दिया गया है। तो इसे आप E27 लाइट होल्डर लिखकर अगर अमेजन पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है ही, वहाँ पर से आप इस बल्ब होल्डर को परचेस कर सकते हो जिसका एक का प्राइस है 480 रुपया, अगर आप दो परचेस करेंगे तो आपको 960 रुपया पे करना होगा। तीसरा चीज जो आपको परचेस करना है वो है एक E27 टू B22 बल्ब होल्डर कन्वर्टर, क्योंकि इसका जो पोर्ट है वो E27 पोर्ट है और हम जो बल्ब्स इस्तेमाल करते हैं अपने घर में या फिर इंडिया में जो बल्ब्स इस्तेमाल होते हैं उसका पोर्ट B22 होता है। तो आपको यहां पर एक कन्वर्टर परचेस करना होगा जो आपको लगभग 91 रुपए में ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा अम्ब्रेलास, आपको दो व्हाइट कलर की फोटोग्राफी अम्ब्रेलास चाहिए होगा जो आपकी लाइट को डिफ्यूज करेगा और आपको एक सॉफ्ट लाइट देगा। तो ये जो अम्ब्रेलास है इसको आप मार्केट से बहुत ही कम प्राइस में परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो आपको लगभग 400 रुपये में दो मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर सोनिया कंपनी का इस अम्ब्रेलास को परचेस करे है जिसका क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन ये आपका लगभग 5 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ठीक ठाक है, 400 रुपये में आपको दो अम्ब्रेलास मिल जाएंगे। अभी हमारा जो लास्ट और मेन चीज़ आपको चाहिए वो है लाइट्स। अब यहाँ पर कोई भी एक 30 या फिर 40 वाट की LED बल्ब इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो बल्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है सिस्का का फैन बल्ब जो कि 40 वाट का एक बल्ब है और यहाँ पर 3 LED पैनल है जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लाइट मिल जाता है। और ये जो लाइट है ये आपको मार्केट पर भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा। ऑनलाइन अगर आप परचेस करेंगे तो आपको लगभग 700 रुपया पे करना पड़ेगा एक बल्ब के लिए, तो दो बल्ब के लिए आपको 1400 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट से खरीदने तो आपको लगभग 1300 रुपये में दो बल्ब मिल जाएगा। तो बस सारी चीजें हमारा हो चुका है, अभी हम जल्दी से इसको असेंबल करके देख लेते हैं किस तरीके का हमारा लाइट बनता है।
बस ये हमारा दो अम्ब्रेला लाइट बनके तैयार हो चुका है। अभी हम जल्दी से आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि ये जो लाइट है इससे आपकी फोटोज और वीडियोस पर क्या डिफरेंट आ सकता है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मेरे रूम के एक सिंगल LED लाइट से वीडियो बन रही है। अभी मैं जल्दी से इस अम्ब्रेला लाइट पर स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्वालिटी में कैसा डिफरेंट आता है। तो स्विच करते हैं। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये दो अम्ब्रेला लाइट को इस्तेमाल करते हुए कैप्चर किया जा रहा है। अब जरा कमेंट करके बताना आपको क्वालिटी में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारा अम्ब्रेला लाइट पसंद आया है। अगर आप इन लाइटिंग के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।